तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिमों को मारने का आतंकवादियों ने किया ऐलान, लिस्ट भी कर दी जारी, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जल्दी अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी के साथ करेंगे गठबंधन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बनाया गांव, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा है खामोश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका, सीपीएम ने 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को दिया अपना समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला को लेकर बोले फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीक, कुरान का जो भी करेगा अपमान ऐसे ही सहेगा उसका भुगतान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, कश्मीर में गैर मुस्लिमों को मारने की आतंकवादियों ने लिस्ट की जारी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने गैर मुस्लिमों को मारने की एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी पिछले 15 दिनों में 5 मुस्लिम समेत 11 आम लोग की हत्या कर चुके हैं। अब खबर है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के आकाओं ने गैर मुस्लिमों को मारने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्थानीय दहशत गर्दों को गैर मुस्लिमों के नाम तक दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्थानीय आतंकियों को गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का निर्देश दे रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं और लगातार हिंदू सहित कई मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर भाजपा फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जल्दी अपनी पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी के साथ पंजाब में करेंगे गठबंधन। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। कैप्टन ने किसान आंदोलन का हल निकालने की शर्त पर अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात भी कही है। वहीं आपको बता दें कि रवीन ठुकराल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब के भविष्य की लड़ाई जो है जारी है, एक साल से अधिक समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे किसान सहित पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्दी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने वाले हैं। भाई आपको बता दें कि बीते ही दिनों कांग्रेस में घमासान के बाद इन्हें कांग्रेस पार्टी ने सीएम पद से पंजाब में हटा दिया था, जिसके बाद ये लगातार नई पार्टी बनाने की बात करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के साथ ये पंजाब में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अरुणाचल में चीन ने बनाया भारत की जमीन पर गांव, पीएम मोदी हैं खुद। जय दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से ही डर जाते हैं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बना लिया और मोदी जी खामोश है। उन्होंने कहा कि लद्दाख कप्सान में चीन की फौज हमारी जमीन पर कब्जा किए बैठी है, मगर प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मसूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए ये हमला बीजेपी पर बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, फुरफुरा शरीफ के मौलाना बोले कुरान की बेअदबी करने वालों को दी जाए बांग्लादेश में फांसी की सजा। ये दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ के मौलवी और इंडियन सेकुलर फ्रंट के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीक ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सिद्दीक ने कथित तौर पर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने वालों को दोषी ठहराया है और कहा कि ऐसे लोगों को बांग्लादेश की सरकार को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि किसी के धर्म को आँच नहीं पहुँचा चाहिए, अगर हिंदुओं को लगता है कि तुम्हारा हक है कि कुरान का अपमान करना तो तुम इस्लाम के विरुद्ध बोल सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे गुस्ताखी कर सकते हो तो मैं अब्बास सिद्दीक आज तुमको बताना चाहूंगा कि तुम्हारे शरीर से तुमको अलग करने में हमें बिल्कुल समय नहीं लेगा। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी सहित हिंदू संगठन भारत में हमारे पेट पर लात मार रहे हैं, हम लोगों पर झूठे मुकदमे फाइल कर रहे हैं, लेकिन हम भी फिर भी चुप हैं, हमारे घरों को भी भारत में तोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर हमारी कुरान शरीफ या फिर हमारे धर्म को कुछ बोला जाएगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम इसके लिए जान दे भी सकते हैं और इसके लिए जान ले भी सकते हैं। तो ये बड़ा बयान जो है फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीक ने दिया है, जिसके बाद भाजपा ने इनके ऊपर केस दर्ज कराने की बात कही है।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम विधानसभा उपचुनाव में सीपीएम ने किया 4 सीटों पर कांग्रेस के समर्थन का ऐलान, भाजपा को लगा बड़ा झटका। ये दोस्तों आपको बता दें कि असम में 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जबकि 1 सीट पर सीपीआई उम्मीदवार का समर्थन करने का सीपीएम पार्टी ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि अब यहां पर भाजपा का सूपड़ा साफ होने में समय नहीं लेगा। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, भाजपा को लग सकता है झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को भड़की हिंसा के मामले में आज सुनवाई करेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसान समेत कुल 8 लोग की मौत हो गई थी, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। मुख्य न्यायाधीश NV रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। भाई आपको बता दें कि किसानों की हत्या करने का आरोप बीजेपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कुछ खुलासे भी पुलिस ने किए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा और बीजेपी नेता को सजा भी सुना सकता है और बड़ा झटका आज बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बंद कमरे में मुलाकात की है, एक बार फिर से सियासत ने परिवर्तन ला दिया है। राहुल भैया के बाद सज्जन सिंह वर्मा की मुलाकात पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का एक बयान भी सामने आया है। जयवर्धन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा ना शिवराज भाजपा से हैं, ना महाराज भाजपा से हैं, वह नाराज भाजपा से हैं। ऐसी चर्चा चल रही है कि वो कांग्रेस में आ सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो उनका हम स्वागत करेंगे। भैया आपको बता दें कि उन्होंने भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि वह गांधी नहीं बल्कि गॉड से भक्त है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा को प्रदेश में झटका लग सकता है उपचुनाव से पहले ही। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ टीएमसी में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है। इसके बाद टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जिस पार्टी के लिए मैंने 7 साल मेहनत की तो पार्टी छोड़ते वक्त दिल व्यक्तिगत था। मैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी और राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब फैसला ममता बनर्जी को करना है कि वो क्या करेंगे। मुझे उनके फैसले का इंतजार है, दिल भारी है क्योंकि बीजेपी के साथ मैंने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई क्योंकि 30 अक्टूबर को उन्होंने जो है इस्तीफा देने की बात कही थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि सांसद पद से आज इस्तीफा दे दिया है, भाजपा को ही बड़ा झटका इसी को लेकर लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी और महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट करके बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर शिवराज सरकार को घेरते हुए नजर आए। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिवराज जी की सरकार में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, दलित आदिवासी और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचार में बीजेपी सरकार नंबर वन है। तो ये बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाए ड्रग्स लेने के आरोप, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की गई टिप्पणी के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नशेड़ी और मादक पदार्थ तस्कर बताया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार कातिल ने यहां पर कहा कि राहुल गांधी कौन है, वह एक नशेड़ी और मादक पदार्थ तस्कर है। मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये खबरें अखबारों में छपी हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सत्ता में राहुल गांधी को कांग्रेस ने पार्टी में भेजा और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी भी चलाने नहीं आई, तो ये कैसे देश को खड़ा करेंगे, ये सवाल अब देश में उठता है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की अशिक्षित और भिखारी बताया था और कहा था कि अशिक्षित व्यक्ति ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो इसी के जवाब में राहुल गांधी को ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति बीजेपी ने बताया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर दिलीप घोष ने जंतर मंतर पर किया
विरोध प्रदर्शन ममता के लिए कहीं बड़ी बात। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। भाजपा उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल से सांसद दिलीप घोष ने मंगलवार को यहाँ दिल्ली में बांग्लादेश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन में भाग लिया है। घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में हो रही हिंसा की घटनाओं पर उनकी चुप्पी संदिग्ध है। उन्होंने यूनिवार्ता से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कहा है। इसी तरह से घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा किस तरह से विरोध प्रदर्शन देश में दूसरे देश के लोगों को लिए कर रही है। यह है कि आज भी इस सभा को